रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी की बहाली कर दी गई है। ये रेलगाड़ी 15 अक्टूबर से चलने लगेगी और इस रेलगाड़ी का नंबर की अगर हम बात करें तो रेलगाड़ी का जो नंबर है, नई दिल्ली से चलने वाली गाड़ी का नंबर होगा 22439 और उधर से आने वाली यानी कटरा से आने वाली ट्रेन का नंबर होगा 22440 और ये ट्रेन 15 अक्टूबर से चलनी शुरू हो जाएगी। ये सप्ताह के 6 दिन चलेगी, मंगलवार को नहीं चलेगी और इसमें जो अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो वातानुकूलित एग्जीक्यूटिव कुर्सीयान एवं वातानुकूलित कुर्सीयान दो कैटेगरी हैं। और इसकी एक और खासियत है, जो टाइमिंग की अगर हम बात करें तो टाइमिंग इसकी पुरानी वाली ही है, यानी सुबह 6 बजे ये नई दिल्ली से प्रस्थान करेगी। नई दिल्ली से प्रस्थान के बाद ये ट्रेन अम्बाला कैंट जंक्शन रुकेगी, लुधियाना जंक्शन रुकेगी, जम्मू तवी रुकेगी और उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी कटरा। श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचने में इसको दोपहर के 2 बज जाएंगे और वहां से जो वापसी होगी यानी प्रस्थान जो होगा अगर हम उसकी बात करें तो वहां से 3 बजे चलेगी, यानी श्री माता वैष्णो देवी कटरा से शाम को 3 बजे चलेगी और रात को ये वापस आ जाएगी 11 बजे तक, हम कह सकते हैं नई दिल्ली। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी रेलगाड़ियों में हम कह सकते हैं कि कोविड-19 से संबंधित जो नियम और कानून हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। जिस राज्य में आप जा रहे हैं तो वहाँ के कानून को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम चीज़ों को आपको फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना है। ये जो हम विजुअल आपको दिखा रहे हैं ये पुराने हैं, इसमें आप देख सकते हैं किसी के चेहरे पर भी यहाँ पर कहीं पर भी मास्क नहीं है, लेकिन आपको जब इस ट्रेन पर सवार होना है तो उसके लिए रेलवे का सीधा सीधा नियम है या हम कह सकते हैं भारत सरकार का नियम है कि आपको मास्क लगाना पड़ेगा, साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। स्टेशन पर जब आप जाएंगे तो बगैर मास्क के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये ट्रेन एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसकी बहाली हो गई है, दोबारा ये चलनी शुरू हो जाएगी 15 अक्टूबर से। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जिनकी एक लिस्ट पकड़ा दी गई है अलग अलग जोन्स को रेलवे बोर्ड के द्वारा कि वहाँ पर जो भी ज़रूरी ट्रेनें हैं उनको तुरंत चलाया जाए। तो श्री माता वैष्णो देवी के जो भक्त हैं या यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि ये ट्रेन फिर से 15 अक्टूबर से चलनी शुरू हो जाएगी।